उसी ब्लॉग में शाम दिन में हम आपका दोस्त नासिर इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और आप हमेशा से मुस्कुराते रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों इधर बहुत ही बारिशें हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे, तमाम दोस्तों से गुजारिश है दुआ भी करें ख़ास तौर पर बादर और पूरे पाकिस्तान के लिए। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ और दिखाते हैं बारिशों ने क्या किया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हवा भी आपको महसूस हो रही होगी, हवा चल रही है। तो ये देखें गंदम, हमने पानी नहीं लगाया था, तो ज़रूरत थी लेकिन बारिश हो गई थी। तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपसे गुजारिश है कि दुआ करें ख़ास तौर पर गवादर के लिए जो बहुत ही नुकसान हुआ है उधर, अल्लाह रहम फरमाए। और दूसरा पूरे पाकिस्तान में कराची में भी बारिशें हुई हैं इस वक्त रात, इधर हमारी साइड बलूचिस्तान में भी हुई थी। तो किसी जगह पे हमारा ये गंदम का नुकसान भी हुआ है, चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये गंदम लेट थी इस वजह से ये अभी तक पकी नहीं है, बाकी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी गंदम पक गई है। तो कल हमने कटाई करनी थी गंदम की, तो बारिश की वजह से रुक गए क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा बताई हैं। साफ ज़रा जदीद दौर है, हर किसी को पता चल जाता है। ये दोस्त बताएं कौन सा पौधा है, ये अगर आपको इसकी मालूमात हो तो कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताना। देख सकते हैं माशाल्लाह से अमरूद का बाग भी साथ है, अभी फल कम हो रहा है। ये देखिए पौधे ज़्यादा है, ये किसी को मालूमात हो तो ज़रूर बताएं इसके बारे में ये कौन सा पौधा है। ये देखें ये नारियल के दो दरख्त हैं, आप हवा देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, इधर भी देख सकते हैं ये गंदों में जैसे ये गंदों मिल रही है। अभी मौसम तो साफ हो गया अल्लाह खैर करे, लेकिन पता नहीं लगता क्योंकि ये हवा जो चल रही है सर्दी वाली और बारिश वाली हवा चल रही है। इधर माशाल्लाह ये देखें फल बहुत ही अच्छा लगा हुआ है इसको, ऐसा ऐसा ये फल ख़त्म हो रहा है क्योंकि गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में ये फल कम हो जाएगा इसका अमरूद का। ये आगे हमारे चीकू का बाग भी है माशाल्लाह से, ये देखें अमरूद। मौसम तो ज़बरदस्त हो गया, लेकिन कल से जो नुकसान हो रहे हैं हवाओं की वजह से और बारिशों की वजह से, नुकसान भी कर रही है और अच्छा भी है मौसम। ये माशाल्लाह से चेक करें अमरूद का बाग, ज़बरदस्त। काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह से आए भी हैं मेरे पास खाने के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अभी फल कम हो गया क्योंकि इसका मौसम अभी जा रहा है, गर्मियों में इतना ख़ास नहीं लगता और फल ख़राब भी हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर अगर स्प्रे वगैरह करें तो फिर ठीक रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये दोस्तों ये आम का पौधा है, काफ़ी सारा लंबा हो गया, इसकी कटाई करनी है तो ख़त्म कर सकते हैं। ये बारिश ने किया है नुकसान किया है, इसकी वजह से ये सो गई है और ये नुकसान है क्योंकि ये जो सो गई फिर दाना इसका बिल्कुल बरी हो जाएगा। आगे भी आपको दिखाते हैं, ये कल वाली बारिश से ऐसा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इधर से सारा इसने नुकसान कर दिया। ये देखें मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये देख सकते हैं कैसे ये सो गई है। अब इसका नुकसान ये है कि इसके गंदम का दाना जो है बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बारीक हो जाएगा क्योंकि ये इसको सही से वो खुराक नहीं मिल पाएगी दाने को, तो ये दाना बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं,
ये अब हवा भी चेक कर सकते हैं कितनी अभी भी तेज चल रही है। इधर ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये होता तो सब अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अगर हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से माफ़ी मांगे तो इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाता है। ये देखें, ये भी सो गई है, नीचे गिर गई है गंदों, और देख सकते हैं आप लोग ये बारिशों ने ऐसा किया है। और हवा जो, अगर बारिश चले तो फिर भी कोई मसला नहीं, जब हवा चल जाती है ना तो फिर ये नुकसान होता है। घर वाले देखें, ये अभी सब जाए तो इसको 10-15 दिन लगेंगे सूखने में। ये अमरूद का पौधा भी अंदर है माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये दोस्तों ये भी देख सकते हैं, ये हमारी सो गई है बारिश की वजह से, हवा की वजह से, है तो सब अल्लाह की तरफ से। देखें अल्लाह ताला करम फरमाएगा, इससे ज़्यादा रिस्क देगा इंशाल्लाह। देख सकते हैं ये सब सोई पड़ी है, भी ऐसे नुकसान है। ये कटाई करनी थी, बारिश हो गई थी तो रोक दिया, इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद कटाई करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। देख सकते हैं अभी भी हवा चल रही है, फल भी लगा हुआ है, इमली, आलू इमली जिसे कहते हैं। ये सामने नारियल का बाग भी नजर आ रहा है, हो जाता है, ये देख सकते हैं। ये इधर भी सोई हुई है, गिर गई है, मतलब काफी नुकसान हुआ है भी। ये तो हमारी गंदम का नुकसान हुआ है, अल्लाह माफ करे, पीछे जानी नुकसान हुआ है ग्वादर में, अल्लाह रहम फरमाए। बारिशों की वजह से काफ़ी सारे लोग बेघर हो गए, ये देख सकते हैं। ये इधर भी चेक करें, ये देखें, इधर भी ये नुकसान हुआ है, अल्लाह गिर रहा था। तो आखिर में फिर वही गुजारिश होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं किया, जिसने किया ये पहाड़ नजर आ रहे हैं बलोचिस्तान के, ये सामने आम के पौधे हैं माशाल्लाह बहुत ही बड़े, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बेर का दरख्त है, मैं आपको बेर भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं बेर पका हुआ है माशाल्लाह, परिंदे खा रहे हैं, देख सकते हैं। ये छोटा सा अमरूद का पौधा है, इसका फल चेक करें माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये भी माशाल्लाह पक चुकी है, इधर बचा तो होगी, इधर नहीं गिरी। ये जंगल हमने काटा था, मैंने वीडियोस पे भी बनाई थी, ये बेर है, परिंदे खा गए अभी इसको, खाने की चीज़ है, खाएं। ये देखें परिंदे इधर और रहे हैं माशाल्लाह, ये सामने रेस्ट हाउस है कैडेट कॉलेज का, कैडेट कॉलेज। वो आखिर में छोटा सा पैगाम है पाकिस्तान के हवाले से दोस्तों,
पाकिस्तान को ऐसे सियासतदान मिले थे बहुत ही अच्छा जो इन्होंने सोचा था इस मुल्क के बारे में, लेकिन अब जो सियासतदान ऐसे नालायक आ गए हैं पाकिस्तान को खा रहे हैं। तो खुदारा पाकिस्तान का सोचें, बहुत ही प्यारा मुल्क है हमारा, इसका सोचें, इसकी कदर करें। और सियासतदानों से भी अगर देख रहे हैं तो उनसे भी अपील है, पाकिस्तान को मत बर्बाद करें, इसका सोचें, अच्छा सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें। माशाल्लाह हम मेहनत करने वाले लोग हैं, कैसे अल्लाह पाक ने हमें फसलें दी हैं, अच्छे अच्छे फल दिए हैं, हम इस मुल्क की कदर करें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा खुश रखे, तरक्की अता फरमाए। आमीन।